मैं अफनान को औलाद की खुशी देना चाहती थी। लेकिन अब तो शमशा की तरफ से भी उसको औलाद हो जाएगी। मेरी सारी खुशी बर्बाद कर दी है इस लड़की। कैसी बातें कर रही हो लीजे, तुम ही अफनान को पहली औलाद दोगी। और अफनान को बाप बनने की खुशी भी तुम ही दोगी, क्यों नहीं वो तुम्हारी कदर करेगा। अब बाकी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई ना कोई जादू, कोई ना कोई अमल जरूर करती है रमशा। इसीलिए तो वो जो चाहती है वो ही हो जाता है बस। अल्लाह ही जानता है कि सच क्या है, लेकिन मैंने देखा है वो नमाज की बहुत बाकायदगी करती है। कोई नमाज ही नहीं छोड़ती। शायद इसीलिए अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल करता है। मामा मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मुस्तकिल ऐसा शक हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। इसीलिए तो अफनान और मेरे दरमियान कुछ ना कुछ मसला चलता ही रहता है। वो मेरी दोस्त है ना निदा, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। उसके ऊपर भी किसी ने जादू करवाया था, इसीलिए उसके और उसके शोहर के दरमियान हर वक्त लड़ाई रहती थी। आप एक काम तो करें, जरा घर की ना प्रॉपरली सफाई करवाएं, यकीनन कोई ना कोई तावीज निकलेगा। हाँ, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, कल मैं मेड के साथ मिलकर खुद सफाई करवाती हूँ। कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा।